मित्रों फकिंग जंप, ये है हमारा पहला वीडियो। सेमेस्टर ब्रेक हॉलीडेज, हम कॉलेज टाइम पे हर दिन बस यही सोचते हैं कि हमें कब घर जाने को मिलेगा। किसी भी चूतिए टीचर से पंगा होते ही हम बस यही सोचते हैं कि बस कुछ दिन बाकी हैं घर जाने को, वरना इसकी माँ का साकी ना का कर देता। फिर आते हैं हमारे हॉलीडे प्लान्स। एक तरफ नर्डी बच्चे ये सोचते हैं कि बस यही मौका है, जावा, रूबी, डायमंड, पाइथन, लवड़ा, लसन, बीसी सब कुछ सीख लेंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में ही गूगल में प्लेसमेंट हो जाएगी। नहीं तो बहनचोद ये सोचते हैं कि किसी हॉट सी लड़की को पढ़ा देंगे और उसे जीएफ बना लेंगे। शक्ल देखी है इन जूनागढ़ के चूतियों ने। फिर शुरू होते हैं हमारे हॉलीडेज। पहले दो दिन तक ये पढ़वे नर्ड्स अपनी गांड कदम लगाकर टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना शुरू कर देते हैं और ग्राफ तो ऐसा मेंटेन करते हैं जैसे कि बुर्ज खलीफा हो, और सोचते हैं कि बस दूसरी वाली खलीफा के जैसे सक्सेसफुल और फेमस हो जाएंगे और दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। पर जब 10 दिन बाद रिजल्ट आता है तो खलीफा से खाली लिफाफा हो जाता है और इन सालों के बस 0.003% रिड्यूस होते ही इनकी फटके 4 हो जाती है और ये सोच लेते हैं कि बस इट्स द एंड ऑफ मैनकाइंड। सारी बुक्स को भूलकर काउंटर स्ट्राइक और डोटा 2 में सक्सेसफुल होना ही शुरू कर देते हैं। फिर आते हैं मस्ती ज़्यादे। इनके प्लान्स में तो बस वो इमेजिनरी गोवा ट्रिप, पार्टीज, ह्यूज गेट टुगेदर और सिर्फ मस्ती का प्लान होता है बहनचोद। इन चूतियों का बस यही मोटिव होता है कि गोवा जाकर बियर, पिकनी और बीच, इन तीनों का एक्सपीरियंस करें। सबसे पहले तो ये डिसाइड ऐसे करते हैं जैसे अगला RBI का रूल यही निकालेंगे। फिर होती है प्लानिंग कि कहाँ जाना है। ग्रुप के 99% तो श्योर शॉट गोवा जाना चाहते हैं, पर 1% पेरेंट्स से कंफर्म करके ही बता सकते हैं एंड सोचते तो ये हैं कि इस बार एग्जीक्यूशन ज़रूर होगा। चलिए रियलिटी देखते हैं। रियलिटी में इनका एग्जीक्यूशन तो डिमोनेटाइजेशन रूल से भी ख़राब होता है और रिजल्ट्स आते ही सभी गो गोवा बोलने वाले बीसी फ्रेंड्स गॉन हो जाते हैं और गोवा के प्लान की फिर से गांड मर जाती है और इनका गंदा वाला चूतिया कट जाता है और बेचारे मस्ती ज़्यादे अपनी पूरी हॉलीडेज बस मूवीज़ और टीवी सीरीज़ देखकर ही स्पेंड करते हैं। चाहे चूतिए नर्डी बच्चे हों या हरामी मस्ती ज़्यादे, जो भी कुछ ये प्लान करते हैं लास्ट में इनके लोड़े ही लग जाते हैं। एंड एट लास्ट मित्रों, वो जो नीचे लाल लाल सा बटन है ना, उसको जेंटली प्रेस कर दें और प्लीज़ शेयर करना मत भूलना। अच्छा हाँ, अब इतना सब किया ही है तो जाते जाते लाइक भी कर दो। भगवान आपको दिशा पटानी जैसी गर्लफ्रेंड दे और ऋतिक जैसा बॉयफ्रेंड। Episode 1 इज फिनिश्ड। यस ओ बहनचोद, इसने तो नेक्स्ट एपिसोड की स्क्रिप्ट भी सेंड कर दी। सो गाइज, कीप वेटिंग फॉर आर नेक्स्ट एपिसोड एंड कीप स्माइलिंग।